कुछ करने का हौसला हो तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। कम से कम भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन के लोगों ने तो इसे साबित कर दिया है। यहाँ के लोगों ने अपने खर्चे पर बंजर जमीन पर पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की है, जिसका असर अब नजर आने लगा है। पिछले दो दशकों से यहाँ के लोग पथरीली जमीन को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि जो इलाके काफी बंजर और वीरान नजर आते हैं, आज वो पेड़ों की वजह से हरे भरे दिखने लगे हैं। भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन के लोगों के लिए पर्यावरण संरक्षण कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रविवार को बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने पौधों की शोभा यात्रा निकाली। इसमें न केवल बड़े बुजुर्गों बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हुए। महिलाओं ने कलश की तरह पौधों को सर पर रखकर शोभा यात्रा निकाली। वहीं यात्रा में शामिल हुए बच्चे अपने हाथों में ऐसे बैनर लेकर चल रहे थे जिस पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश लिखे थे। जहां जहां से पौधों की ये शोभा यात्रा निकली, लोगों ने दिल खोलकर इसका स्वागत किया। आज ये जगह हरी भरी नजर आने लगी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी पथरीली जगह पर बनी है, यहाँ पानी की काफी किल्लत होती है। ऐसे में लोगों ने संकल्प लिया और इस इलाके को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ। पानी नहीं मिला तो लोगों ने टैंकर खरीदकर पौधों को सींचा। इसी का नतीजा है कि 18 साल पहले लगाए गए पौधे अब पेड़ बन गए हैं। इस बार रोपे गए पौधों में से अधिकांश फलदार हैं। इनमें नीम, अमरूद, पीपल, गुलमोहर के पौधे शामिल हैं। ऐसे में भोपाल के लोगों से सबको पर्यावरण संरक्षण की सीख लेनी चाहिए।